हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। आज के लेक्चर में कुरुक्षेत्र मैगजीन के जून 2023 खंड पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह एक तरह से उस मैगजीन की समरी भी है। इसके अंतर्गत हम लोग जो करंट मतलब मैगजीन के अंतर्गत जो करंट के टॉपिक रहे होंगे उसके स्टैटिक पोर्शन को लिंक करके पढ़ेंगे और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यह क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी हैं, यूपी पीसीएस एमपी पीएससी, उसके लिए महत्वपूर्ण है। कम से कम एक दो क्वेश्चन देखिए, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, कृषि क्षेत्र में जल की खपत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं स्क्रीन पर और हमसे पूछा गया है कि कितने सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा सही नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में जल की खपत, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विश्व स्तर पर पानी का सबसे बड़ा उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कृषि क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा पानी का प्रयोग होता है, खाने के लिए जो खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है उसमें। दूसरा स्टेटमेंट, कृषि योग्य भूमि के एक बड़े हिस्से का उपयोग करके खाद्य उत्पादन के मामले में वर्षा आधारित कृषि अधिक प्रभावी है, जबकि सिंचित खेती कम भूमि क्षेत्र का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट है। इस स्टेटमेंट कहने का मतलब यह है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें एक बड़े भाग पर वर्षा आधारित कृषि होती है। मतलब अगर कृषि योग्य भूमि इतनी सारी है तो इसमें ज्यादातर जो भाग है उसमें कैसी खेती होती है, जो कि वर्षा आधारित है, वर्षा पर आधारित है। ठीक है, लेकिन जो जो थोड़ी सी भूमि जो सिंचित आधारित है, ठीक है, या फिर जो भी सिंचित आधारित खेती की भूमि है उस पर जो उत्पादन है वह ज्यादा होता है। हमारे बात की नहीं, खेती तो ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में हो रही है जो कि वर्षा आधारित सिंचित है, लेकिन जो कि सिंचित सिंचाई आधारित है, जो कि मैन मेड सिंचाई की जाती है, चाहे नलकूप से हो चाहे नहर से हो, इस सिंचाई के माध्यम से जो खेती है उससे जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है और ज्यादा उत्कृष्ट है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, देश के कुल जल का 80 से 90% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। ये हमारे भारत की बात हो रही है कि मतलब देश का जितना भी जल है उसका 80 से 90% किस में हो रहा है, कृषि क्षेत्र में हो रहा है, और साथ ही आधी कृषि योग्य भूमि जो है सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। मतलब भारत में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका 50% आज भी किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर। इसीलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। और जितना भी जल है उसका 90% 80 से 90% कृषि क्षेत्र में होता है। ये तीनों ही फैक्ट जो है कृषि क्षेत्र में जल की खपत से संबंधित है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे सही है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, है ना, सही नहीं है। तो तीनों सही है, सही है तो मतलब कोई भी ऐसा जो है वो सही नहीं है। मतलब इसमें से ये कौन सा होगा सही, चौथा होगा, कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही ना हो। तीनों ही सही है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देखते हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन में देखिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उन्हीं पर हाइलाइटेड है, उसी पर बात करेंगे। जैसे पानी का सबसे बड़ा उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, ये तो बता ही दिया गया। ये देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था उसकी व्याख्या यहाँ पे ऐसे है कि जो वर्षा आधारित खेती है उसका विश्व का जो 60% खाद्य है वह 80% खेती योग्य भूमि पर उत्पन्न होता है। मतलब जो 80% खेती योग्य भूमि है उससे कितना खाद्यान्न उत्पन्न होता है, 60% खाद्यान्न, ठीक है, तो 80 से 60। और जबकि जो सिंचित खेती है, ये वर्षा आधारित था ना, वर्षा आधारित जो 80% खेती की भूमि है उससे 60% खाद्यान्न उत्पन्न होता है। जो सिंचित है मतलब जो मानव द्वारा सिंचित खेती है भूमि है उसके 20% भूमि पर 40% होता है। तो यहाँ दुगुना हो रहा है, मतलब 20% भूमि है उस पर 40% खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है, और जबकि यहाँ 80% खेती योग्य भूमि है और यहाँ पे 60% खाद्य उत्पन्न होता है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो वर्षा आधारित खेती है वहां से ज्यादातर भूमि पर वर्षा आधारित सिंचाई हो रही है लेकिन उससे खाद्यान्न कम उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जो एरिया सिंचित किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा अपने से नलकूप द्वारा नहर के द्वारा डैम के द्वारा उससे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है। ये वही बात है जो
पहले थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि भारत में आधी कृषि योग्य भूमि जो है केवल वर्षा पर निर्भर है और 90% का प्रयोग किसी में होता है, कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है सही फसल अभियान। सही फसल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी कितने स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट, और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में, इस डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे सही फसल अभियान, इस सही फसल अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, तो कई सारे मंत्रालय दे देंगे आपको। इसमें कंफ्यूज करने वाला मंत्रालय एक है, वह किसान मंत्रालय वाला है ना, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते। ध्यान रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह मिशन भी शुरू किया गया, राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। यह भी ध्यान में रखना है कि नेशनल वाटर मिशन किसने शुरू किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने, और जल शक्ति मंत्रालय का है राष्ट्रीय जल मिशन, और राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया है सही फसल अभियान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा इससे। यह दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यह पानी की कमी वाले क्षेत्र में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो कम पानी की आवश्यकता के साथ साथ आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो, टिकाऊ हो। तो मतलब सही फसल के अंतर्गत जैसी भूमि है उसके हिसाब से फसल को चुनना, मेन पॉइंट यही है। मतलब अगर वहां पानी की कमी है तो ऐसे फसलों को मत उपजाएं जिनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता है, जैसे जैसे जो धान की खेती होती है या गन्ने की खेती होती है उनके लिए बहुत अच्छी मात्रा मान लीजिए पानी की आवश्यकता है। तो अब ऐसे क्षेत्रों में खेती करेंगे जहां पे पानी की पर्याप्त उपलब्धता है नहीं, तो क्या वो फसल होगी, नहीं होगी, और वहां का जो जल भी है उसका लेवल घटता जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कि जल राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपने संसाधन का उपयोग अपनी योजना और प्राथमिकताओं के आधार पर करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि वाटर किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वाटर कौन सी सूची में आता है, राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में। तो ध्यान में रहेगा तभी ना करेंगे, तो राज्य सूची में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पढ़ जरूर रहे लेकिन इससे आपके 3 से 4, 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में तैयार हो रहे हैं। जैसे इसमें हमने बताया कि सही फसल अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत है, जल शक्ति मंत्रालय, किस मिशन द्वारा शुरू किया गया, राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा, और जल किसका विषय है, राज्य का विषय है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कि सभी 3 कथन क्या है सही है। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखिए। हाँ, अब यहाँ पे एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कब शुरू किया गया, तो 2019 में। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं जो वन डे एग्जाम है या जो गवर्नमेंट के और भी एग्जाम है उनमें डायरेक्ट कि 2019 में। तो 2019 ध्यान रखिए, सही फसल 2019। ठीक है, और ये जल का विषय और ये सब उसी के व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्ड क्वेश्चन है जो उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन क्या है सही है। तो इसमें वही कथन और कथन एक कथन दो दिया है, जिसमें से देखना है कि कथन एक सही है, कथन दो सही है या गलत है, और ये दूसरा जो है पहले की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का फेवरेट है, इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 के दौरान हर खेत को पानी, सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार यानी प्रति बूंद अधिक फसल की दृष्टि से शुरू की गई थी। मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पहली बात तो हर खेत को पानी पहुंचाना है, मतलब सिंचाई का कवरेज बढ़ाना है, और दूसरा जो जल का उपयोग की दक्षता है उसमें सुधार करना है, मतलब एक प्रति बूंद से अधिक फसल उत्पन्न की जाए, इसके लिए शुरू की गई। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए शुरू की गई थी। दूसरा, यह योजना स्रोत निर्माण, वितरण प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग, विस्तार गतिविधियों के माध्यम से सिंचाई के लिए एंड टू एंड सोल्यूशन प्रदान करता है, समाधान प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, साथ ही में
या दूसरा कथन पहले की व्याख्या भी कर रहा है कि मतलब इस योजना के अंतर्गत हाँ ये चीजें की जाती हैं या ये चीजें होती हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसका जो पहला वाला है वही सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट जो है इससे रिलेटेड बता देता हूं कि पहली बात तो ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय नहीं लगा के चलाना है, ध्यान में रखना है, यहीं पे कंफ्यूजन होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, यूपीएससी अगर देगी तो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय जरूर दे देगी। तो ध्यान में रखना है कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, तो कृषि से याद रखना है कृषि मंत्रालय। ठीक है, दूसरा कि मतलब जो है आप कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का नाम सुना होगा आपने, इसका जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा ही 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्या किया गया था, अप्रूवल दिया गया था कि हम ऐसी योजना चलाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि 1 जुलाई 2015 को अप्रूव किया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। और यह भी ध्यान रखना है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे कौन होता है, पीएम होते हैं कि वित्त मंत्री होते हैं, तो इकोनॉमिक वाला सोच के वित्त मंत्री लगा के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है। व्याख्या देखते हैं, कुछ काम का है तो वही चीजें दी है। हाँ, ये एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि यह क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली क्या है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यह होता है कि सारा पैसा राज्य केंद्र सरकार नहीं देगी, कुछ केंद्र देगी कुछ राज्य सरकारें देगी। तो जो सामान्य, कुछ स्टेट कैसे होते हैं, सामान्य स्टेट होते हैं, कुछ पहाड़ी स्टेट होते हैं, तो जो सामान्य स्टेट होते हैं उनके लिए 75-25 का अनुपात रखा जाता है, मतलब 75 100 रुपए में से 75 रुपए केंद्र सरकार देगी, 25 रुपए राज्य सरकारें लगाएंगी, जबकि पहाड़ी राज्यों के लिए या उत्तर पूर्वी जो स्टेट है उनके लिए 90-10 का अनुपात होता है, मतलब 90 रुपए 100 में से 90 रुपए, मान लीजिए अगर 100 रुपए देना है टोटल खर्च करना है तो 90 रुपए कौन देगा, केंद्र, 10 रुपए वो राज्य देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं लोग। मेन क्वेश्चन यहाँ बनता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये गलत है, सेक्टर वाली नहीं है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी के फेवरेट है, फेवरेट ऐसे क्वेश्चन पे कृषि तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का एग्रीकल्चर। अब पीसीएस भी 9 से 10 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 एवरेज मान के चलिए कृषि पर क्वेश्चन पूछती ही है, तो मतलब पीसीएस जो है उतने डीप जाके नहीं पूछता है, लेकिन अब पूछने लगा है, जिस तरह का आरओ का पेपर आया था उस तरह से, तो अब आइडिया हो गया है कि यूपीएससी को टच करने वाले हैं लेवल को ये लोग। तो ध्यान में रखना है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है उनको हमको चुनना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, यह परंपरागत कृषि विकास योजना, हम किस पे बात कर रहे हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में। यह जो पद्धति है यह परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक उप मिशन है जो सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, अभी मैं इसका डिटेल में आपको बताता हूं क्या क्या चीजें, पहले एक बार देख लेते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा, यह बायो मल्चिंग पर प्रमुख जोर देने के साथ खेत पर बायोमास पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना का उद्देश्य, यहां ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय क्षेत्र बोला है, सेंट्रल सेक्टर, शब्दों पर ध्यान दीजिए, इस योजना का उद्देश्य किसानों की लाभप्रदता में सुधार, गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता और मिट्टी की उर्वरता की बहाली करना है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, केवल इस शब्द के कारण, क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ पैसा केंद्र देगी और कुछ पैसा राज्य लगाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा केंद्र देगा। केंद्रीय क्षेत्र में क्या होता है,
कि पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, तो गलत है यह, यह प्रायोजित है। जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कैसी है, प्रायोजित है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, उसी तरह से यह वाली भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यह कैसी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक, अब चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताता हूं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए इस शब्द पे, बायोमल्चिंग क्या होता है। देखिए बायोमल्चिंग क्या है, इसके अंतर्गत जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किया जाता है। बायोमास मल्चिंग लिखा है ना, तो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हो गया आपका क्या हो गया, पत्तियां हो गई, घास हो गया, और जो लकड़ी के कुछ टुकड़े हो गए, इनका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, जो सॉइल है उसको ढकने के लिए, उसको सॉइल को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल का। क्यों ऐसा, जब उसको आप इन सब ऑर्गेनिक मटेरियल से कवर कर देंगे तो जब वो क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो डिकम्पोज होंगे तो वह एक बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, तो आपको फिर ना तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज्यादा सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी। ये उसको ह्यूमिडिटी जो होती है, मतलब जो मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर होगी सॉइल को, उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, रोक के रखते हैं, तो वो बायोमास मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, और बायोमास पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग संबंधित है, तो यह दूसरा स्टेटमेंट तो सही था। पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसको अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक जो प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इस प्लान के तहत टोटल जो है 8 मिशन चलाए गए। बहुत सारी लिस्ट है 8 मिशन का, आप इसको कमेंट में अगर आपको पता है तो आप बताएंगे, नहीं तो आपको पढ़ना है इसके बारे में कि कौन कौन से 8 मिशन है। उन्हीं 8 मिशनों में से एक मिशन था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, और यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन जो है उसको कहते हैं हम लोग नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहला फैक्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि यह जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है यह किसका पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंतर्गत 8 मिशन है, उसी में से एक मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर इसके आगे बताते हैं क्या है ये। तो ये फैक्ट दिमाग में रख लिए कि ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मिशन है वह NAPCC के थ्रू के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर ध्यान में रखिए चीजें कि प्रधानमंत्री ये जो ये वाला है, यहां पे ध्यान दीजिए कि अब ये जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है या किसके अंतर, इसके इसके तहत ही, इसके तहत ही आता है पारंपरिक कृषि विकास योजना, ये वाला यहां पे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आती है पारंपरिक कृषि विकास योजना, और इसी पारंपरिक कृषि विकास योजना का एक सब मिशन है, इसी का उप मिशन है, कौन सा, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। क्लियर हुआ कि नहीं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 8 मिशन है, उसी में से एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है पारंपरिक कृषि विकास योजना, और इसी पारंपरिक कृषि विकास योजना का एक सब मिशन है, उप मिशन है, कौन सा, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, यह जो है पारंपरिक कृषि विकास योजना, पारंपरिक कृषि विकास योजना यह कैसी योजना है, यह है केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसको 2015 में शुरू किया गया, और इसका मेन उद्देश्य यह है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पारंपरिक तरीके पर ध्यान देना है, जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि सिंथेटिक जो भी चीजें हैं उनका प्रयोग नहीं होता, चाहे वो फर्टिलाइजर हो सिंथेटिक, चाहे वो कीटनाशक आदि हो, उनका प्रयोग नहीं करना है आपको। और एक महत्वपूर्ण बात कि इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक विलेज का स्थापना करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और ऑर्गेनिक विलेज स्थापित करेंगे,
इसके अंतर्गत पारंपरिक कृषि विकास योजना जो कि प्रायोजित सेंट्रली प्रायोजित है, केंद्रीय प्रायोजित 2015 में शुरू की गई, ऑर्गेनिक विलेज बनाना है। दूसरा अब इसी का सब मिशन है कौन, यह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। यह कब शुरू किया गया, यह 2020 और 21 में शुरू किया गया है, तो ये लेटेस्ट है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूछा गया है इस क्वेश्चन में 2020-21 में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका थोड़ा मंत्रालय भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यह लेटेस्ट में शुरू हुआ है, तो भारतीय प्राकृतिक कृषि जो पद्धति है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, किसान और फैमिली नहीं है, फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। तो ये जो थी पूरी इस क्वेश्चन की जो भी एनालिसिस थी वो मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ज्यादातर ये फैक्ट्स आप देखे नहीं होंगे, लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, भले यही क्वेश्चन ना लाए लेकिन इसके सेगमेंट पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा सही था, लेकिन तीसरा गलत था, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, केवल दूसरा हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कुछ काम का है, तो वही चीजें हैं जो रिपीटेड है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धति जो है यह पारंपरिक स्वदेशी तरीके को प्रोत्साहित करती है, जैसे हम लोग पहले करते थे जब हमारे पास रासायनिक कीटनाशक और खाद नहीं था, जो उत्पादकों को बाहरी आदानों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। मतलब आप जैसे आज के समय में क्या हो गया है कि आपको कोई भी फसल उत्पन्न करना है तो उसके लिए आपको एक तो बाहरी आदान मतलब आउटर इनपुट जो होता है, आदान मतलब इनपुट होता है, इनपुट मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए खेती करना है तो आपको तो उसके लिए जो खाद है, पानी है, बीज है, यह इनपुट की तरह कार्य करते हैं, और जब इससे जो फसल उत्पन्न होती है वो आउटपुट की तरह कार्य करती है। तो आज के समय में खेती करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, कीटनाशक, तो ये सब इनपुट है। तो जो भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धति है उसमें ये सब जो केमिकल वाली चीजें हैं उनके प्रयोग करने को रोकना है, जिससे कि हम आत्मनिर्भर हों खेती में अपने स्वदेशी तरीके से, और यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यह ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और जो भी स्टेटमेंट हमारे क्या है सही है उस पर हम लोगों को बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, सामान्य तौर पर दक्षता शब्द, दक्षता की क्या मतलब बता रहा है, किसी निर्धारित इनपुट से प्राप्त होने वाले अपेक्षित आउटपुट को मापने के लिए किया जाता है। जल उपयोग दक्षता प्रभावी जल उपयोग और वास्तविक जल निकासी का अनुपात है। मतलब देखिए दक्षता क्या होती है, आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे पहले देखिए हम लोग 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, पीला वाला, तो उससे क्या होता था, बिजली 100 वाट वो यूज कर रहा है, लेकिन प्रकाश जो है वह प्रकाश 100 वाट बिजली का यूज करके 100 वाट यूज करता था, और बिजली जैसे प्रकाश हमको देता था, ठीक है ना, हीट भी ज्यादा तो बिजली ज्यादा खर्चा करता था। अब हमने फिर उसके बाद क्या किया, CFL का विकास किया, CFL का विकास किया तो क्या हुआ कि जो 100 वाट था वो वाट क्या हुआ, घट गया, मान लीजिए 20 वाट, तो 20 वाट का CFL जो है उतने ही प्रकाश दे रहा है 20 वाट का CFL, मतलब जितना 100 वाट का बल्ब दे रहा था उतना ही 20 वाट का CFL दे रहा। अब हमने और विकास किया और खोजबीन किया तो हमने 8 वाट का LED विकसित कर लिया, LED बल्ब, जो कि उतना ही प्रकाश दे रहा है जितना कि 100 वाट का वो बल्ब दे रहा था जो पहले हम लोग यूज करते थे, फिर CFL जितना 20 वाट का उतना ही अब 8 वाट का बल्ब दे रहा है। तो क्या हुआ, मतलब हमने प्रकाश तो मतलब जो हमारा आउटपुट है प्रकाश जितना चाहिए था उससे अच्छा या उतना लगभग मिल रहा है, मतलब उतना मिल रहा है या उससे अच्छा ही मिल रहा है, उससे कम नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बिजली की खपत है वो क्या हो गई, कम हो गई। CFL में उससे अच्छा ही प्रकाश मिला, LED में उससे और अच्छा प्रकाश मिला, और देख रहे हैं कि जो बिजली की खपत है वह भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यही दक्षता होती है, यही इफिशियंसी होती है कि जितना हमारा इनपुट था,
इनपुट को हम क्या कर दें, कम कर लें, लेकिन आउटपुट जो है आउटपुट हमारा उतना ही रहे या उससे और ज्यादा बेहतर हो जाए, इसी को दक्षता कहते हैं। तो यही जल उपयोग दक्षता में आता है कि भाई आप मान लीजिए पहले कोई फसल उत्पन्न करने के लिए जितना पानी आपको लगता था, ठीक है, और जितना आउटपुट मिलता था फसल का, तो इनपुट के रूप में आप पानी सिंचाई करते हैं, तो मतलब आप कम सिंचाई करें लेकिन आपका आउटपुट जो है या जो फसल की उत्पन्न हो रही थी उतना ही रहे या उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन आप सिंचाई के लिए जल की उपयोग को क्या कर दें, कम कर दें, या आप जो जितना जल दे रहे हैं उतने में ही ज्यादा आउटपुट उत्पन्न होने लगे, यही दक्षता है, जल उपयोग दक्षता। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही बात इसमें कही गई है पहले स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडिकेटर है, अब ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो सातवा जो इंडिकेटर है वह सभी क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में काफी वृद्धि करने और पानी की कमी को दूर करने के लिए शुद्ध जल की स्थायी निकासी तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो दिया गया है डिटेल, यह डिटेल तो सही है भाई, ये एक लक्ष्य है, ये एक इंडिकेटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, लेकिन यह सातवां नहीं है। सातवां नहीं है तो भाई फिर कौन सा है? सातवां नहीं है, यह छठा है, यह छठा इंडिकेटर। आपको सारे इसके 17 इंडिकेटर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, तो सारे आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। प्री मेंस दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकता है, आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और प्री में तो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो 2015 में इसको स्वीकार किया गया और 2030 तक इसको प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत टोटल 17 गोल है और उसमें बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो जैसे कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठवा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यही वाला है ये। तो छठा जो आपका गोल है वह यही है कि सभी क्षेत्रों में जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करना है और पानी की कमी को दूर करने के लिए शुद्ध जल की स्थायी निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित करना है। तो यह दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि इसमें सातवां दिया गया है जबकि यह कौन सा है, छठा है। तो फिर सातवां कौन सा है भाई? तो सातवां जो है वह है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सातवां लक्ष्य क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सातवां लक्ष्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यह पानी को पौधे के बायोमास में परिवर्तित करने की फसल प्रणाली की क्षमता का माप है। सही है, मतलब ये जो जल उपयोग दक्षता है, तो जल उपयोग दक्षता क्या होता है? आप खेतों की सिंचाई करते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं उस जल के माध्यम से और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उस जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास मतलब अपनी वृद्धि करने में प्रयोग करते हैं, वही तो है। तो जितना अच्छे से वो जल का उपयोग करेंगे उतना ही अच्छे से पेड़ पौधे की वृद्धि होगी, वही तो फसल की प्रणाली की क्षमता की माप है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है, तो केवल दो ठो इसमें स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह दूसरा हो जाएगा, केवल दो क्या है, सही है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कुछ काम का है, ये तो वही है जल उपयोग दक्षता। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये मतलब इसमें दिया है कि जो मतलब जो 6.4.1 जो इंडिकेटर है उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि सभी क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना है और शुद्ध जल की स्थायी निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करना है और 2030 तक जल की कमी से पीड़ित लोगों की संख्या को कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखिए, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी, इसके पहले वाला क्वेश्चन था वाटर यूज इफिशियंसी पे, अब उसी पे एक ब्यूरो बना है, तो उस ब्यूरो के बारे में पूछ रहा है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार की, या पूछा है यहाँ पे, ध्यान के देखिए कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा
जल संसाधन विभाग के तहत की गई है। तो बिल्कुल सही है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के तहत इसकी स्थापना की है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, वाटर ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी ने जल दक्षता को संबोधित करने की दिशा में सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन और स्वच्छता उत्पादों के लिए भारतीय मानदंड, इंडियन स्टैंडर्ड मानक प्रकाशित किए हैं। तो बिल्कुल सही है ना, मतलब यह सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई मतलब जैसे ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर जो सिस्टम है सूक्ष्म सिंचाई के लिए, और जो स्वच्छता उत्पाद है ना, क्लीन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड भी यह प्रकाशित करता है या किया है। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई शामिल है, तो यह मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसमें एक दो तीन तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा सही नहीं है? तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि सही नहीं है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, कि इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि सही नहीं हो, तीनों ही सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी है, यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है, जो मैं आपको पहले बताया था ना, नेशनल वाटर मिशन। जो ये नेशनल वाटर मिशन है, यह किन 8 मिशनों में से एक है? ध्यान दीजिए, अगर ध्यान से सुने होंगे तो याद होगा। तो जो मैं आपको बताया था कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके अंतर्गत 8 मिशन है। उन्हीं 8 मिशनों में से एक मिशन है नेशनल वाटर मिशन, जो कि 2011 में क्या हुआ, शुरू किया गया। इसी नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत यह आता है, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी। तो ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी इसी मिशन के अंतर्गत आता है। अब एक आपसे स्टैटिक पोर्शन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फर्स्ट जो नेशनल वाटर पॉलिसी है, नेशनल वाटर पॉलिसी कब लाई गई थी? तो पहली नेशनल वाटर पॉलिसी लाई गई थी 1987 में, 1987 में। वर्तमान में 2012 में जो नेशनल वाटर पॉलिसी लाई गई थी वही चल रही है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, अब यहाँ पे वही दिया गया है कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आपको बता दिए हैं, यह भी बता दिए हैं। अब यहाँ पे ये वाला ध्यान दीजिए कि सिंचाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, ये क्या लिखा है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, फुल फॉर्म है, मतलब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसी का एक भाग है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट भाग के तहत, जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए भूमिगत पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई आते हैं जैसी विभिन्न जल कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये जो प्रोग्राम है उसके तहत जल शक्ति मंत्रालय ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, यह भी ध्यान में रखना है। यह जो प्रोग्राम है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको जो शुरू किया गया था 1974 और 75 में शुरू किया गया था, और बाद में 2004 के आसपास इसको क्या किया गया, रीनेम्ड और रीस्ट्रक्चर किया गया, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण पहल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में हमको बताना है। तो पहला देखिए, राज्य, और इधर दिया है पहल का नाम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछे जाएंगे ही आगे भी, डायरेक्टिव पूछ सकते हैं, कोई भी एक पहल का नाम दे देंगे किस स्टेट का संबंधित है। तो इसमें देखिए, पहला जो है आंध्र प्रदेश के सामने दिया है पानी पंचायत, तो ये गलत है। पानी पंचायत कहाँ का है? पानी पंचायत है उड़ीसा का, पानी पंचायत उड़ीसा का, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, बिहार के सामने दिया है जल जीवन हरियाली, तो सही है, जल जीवन हरियाली बिहार का है। जल ही जीवन है हरियाणा दिया है सामने, तो यह भी सही है। उड़ीसा के सामने दिया है नीरू चट्टू। ऐसे जरूर पूछा जाता है कि जो अलग नाम होता है ना, जैसे यूपीएससी क्या करेगी, कह दे देगी कि नीरू चट्टू है, कई सारे दे देगी कि यह एक जानवरों के संरक्षण के लिए है, यह एक कोई भी मतलब वेलफेयर संबंधित पहल है, एक दे देगी कि जल संरक्षण पहल है, तो पता होगा तभी ना करेंगे, नहीं तो कह देंगे कोई एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो ऐसा नहीं है। नीरू चट्टू क्या है,
यह एक जल संरक्षण पहल है, लेकिन यह ओडिशा की नहीं है, यह है कहाँ की, आंध्रा की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया। ऐसे ही यूपीएससी भी करती है कुछ क्वेश्चंस में, जैसे उड़ीसा वाला के सामने आंध्रा का लिख दिया है, आंध्रा के सामने उड़ीसा का, तो इसमें पहला गलत हो गया क्योंकि पानी पंचायत उड़ीसा का है और नीरू चट्टू किसका है, आंध्रा का है। पहला और चौथा गलत सुमेलित है, जबकि दूसरा और तीसरा सुमेलित है, तो केवल दो जो है दो सही सुमेलित है, तो इसमें जो दूसरा वाला है यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में कई स्टेट्स का दिया है कुछ, इसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कहाँ का है, राजस्थान का है, तो जल स्वावलंबन राजस्थान स्वावलंबन, देखिए राजस्थान में जल की कमी है तो वहां स्वावलंबन की बात हो रही है। शिबार शिबार महाराष्ट्र का है, सुजलाम सुफलाम गुजरात का है, काकतीय तेलंगाना का है, नीरू चट्टू आंध्रा का है, जल जीवन हरियाली बिहार का है, जल ही जीवन हरियाणा का है, पानी पंचायत उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और वही है कथन और कारण वाला स्टेटमेंट है कि पहला दूसरा कथन सही गलत चुनना है और व्याख्या कर रहा है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, जल शक्ति अभियान एक मिशन मोड दृष्टिकोण है जिसे भारत के 256 जिलों में पानी की कमी वाले ब्लॉक में भूजल स्थित सहित पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए लागू किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, अटल भूजल योजना का लक्ष्य गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश भी है इसमें, कि चिन्हित अति दोहित एवं जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल का स्थायी प्रबंधन करना है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। अटल भूजल योजना, अभी मैं हम डिटेल में इस पर बात करते हैं, पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन ये देखिए दोनों अलग अलग मिशन है, जल शक्ति अभियान अलग है, अटल भूजल योजना अलग है, तो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते। दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करेंगे, तो इसमें जो दूसरा है वह क्या है, सही हो जाएगा कि एक दो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। अब मैं एक एक बिंदु पर बात करता हूं, जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, जैसे जल शक्ति अभियान जो है, तो जल शक्ति अभियान जो है यह किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत यह आता है जल शक्ति अभियान। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मई 2019 में दो मंत्रालयों को मिला करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था, कब, मई 2019 में। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, तो जल शक्ति से याद रखना आसान है कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसका उद्देश्य क्या है जल शक्ति अभियान का, तो देखिए जल शक्ति अभियान का मोटा मोटा उद्देश्य यह है कि जो भी वाटर मतलब जल की कमी वाले जो भी जल की कमी वाले मुद्दे हैं उनको क्या करना है, कम करना है, है ना, जिन भी क्षेत्रों में जल की कमी है, वाटर स्कार्सिटी है, उनको कम करना है, उन क्षेत्रों को कम करना, यही मेन उद्देश्य इसका है। इसके लिए यह जो जल शक्ति अभियान है उसको जो है दो फेज चलाए गए। पहला फेज जो है, फर्स्ट जो फेज चलाया गया जल शक्ति अभियान का, यह चलाया गया 1 जुलाई 2019 से लेकर के 15 सितंबर 2019 तक, है ना। इसमें फर्स्ट फेज चलाया गया जो जिसके अंतर्गत तो जो वाटर स्ट्रेस्ड जो भी डिस्ट्रिक्ट थे, जो भी जिले थे जहां पे पानी की कमी थी, उन जिलों पर कार्य किया गया। फिर दूसरा जो इसका फेज चलाया गया जल शक्ति अभियान का, यह चलाया गया अप्रैल 2021 में, और इसका मतलब, इसका उद्देश्य यह था कि मतलब जो है जो रेन वाटर है उसको कैसे हम लोग क्या करें, मैनेज करें, कंजर्व करें, और कैसे हम जो एक्वीफर्स हैं, तालाब हैं, जो भी जल संभरण क्षेत्र हैं, उनको कैसे क्या करें, हम उनको रिचार्ज करें, तो दूसरा जो फेज था वो इसके लिए था। इसके अंतर्गत जो है इन डिस्ट्रिक्ट मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट पे काम किया गया दूसरे फेज के अंतर्गत, तो ये जल शक्ति अभियान से संबंधित चीजें थी। ठीक है, अब इसी में अटल भूजल योजना का भी बात कर लेते हैं। तो ये जो अटल भूजल योजना है यह महत्वपूर्ण योजना इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व क्यों किया गया है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व इसलिए किया गया है क्योंकि ज्यादातर
ऐसा तो है नहीं कि सरकार बस सब कुछ कर सकती है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, तो पब्लिक की पार्टनरशिप महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जनता को ही एक तो सुरक्षित रखना है भाई, हम ही जागरूक होंगे तभी ना, 1 लीटर जल की जहां पे जरूरत है वहां 1 ही लीटर यूज करेंगे, नहीं तो 50 लीटर यूज कर लेंगे, है ना। तो ये जो अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना है, इसको जो है दिसंबर 2019 में वर्ल्ड बैंक के अप्रूवल के बाद जो है शुरू किया गया। तो वर्ल्ड बैंक इससे रिलेटेड है अटल भूजल योजना में। तो अटल भूजल योजना में ये जो स्टेट दिए हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके जो इन इन इनमें जो है जल संकट वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, और उन क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उस समस्या को समाधान करने का कार्य किया गया, ठीक है। तो यह जो है अटल भूजल योजना जो चलाई गई है, यह जो चलाई गई है वो जल जीवन मिशन के तहत चलाई गई है, जल जीवन मिशन के तहत अटल भूजल योजना आती है। और अटल भूजल योजना का सिंपल एक लाइन में अगर उद्देश्य बताऊं तो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर जो है उसको करना है, मैनेजमेंट करना है, ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट करना है सतत तरीके से, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है अटल भूजल योजना, जिसको दिसंबर 2019 में शुरू किया गया वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है। अब जल जीवन मिशन फिर से रिवीजन हो रहा है, पहले भी बात कर चुके हैं। तो जल जीवन मिशन किसके अंतर्गत आता है, मतलब ये जो नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल वाटर मिशन है उसी को जल जीवन मिशन भी कहते हैं। और यह नेशनल वाटर मिशन 2011 में शुरू किया गया, और यह जो नेशनल वाटर मिशन है जो 2011 में शुरू किया गया, और यह किसके अंतर्गत आता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या था, महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि 2024 तक, ये जो जल जीवन मिशन है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि 2024 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हाउस होल्ड्स हैं सबको टैप्ड फंक्शनल फंक्शनल टैप्ड वाटर कनेक्शन देना है, मतलब सबके घर में एक पाइप के थ्रू पानी पहुंचाना है। यह 2024 तक लक्ष्य था किसका, जल जीवन मिशन का। तो आपको मैं आज तक, मतलब 30 मार्च है आज, आज तक का अपडेटेड डेटा बताता हूं, 30 मार्च 2024 तक कितना हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर आप आज की डेट तक का ध्यान देंगे तो आज की डेट में टोटल जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, वो टोटल रूरल हाउस होल्ड्स हैं लगभग 19,30,13,443 हाउस होल्ड्स हैं पूरे भारत में। इतने हाउस होल्ड्स मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में इतने घर हैं 19 करोड़। उसमें से आज तक जितने लोगों को, जितने या घरों में ये जल जीवन मिशन के तहत फंक्शनल टैप्ड वाटर कनेक्शन दिया जा चुका है, वह है 14,60,49,034 घर, मतलब 14,60,49,034 जो भी हाउस होल्ड्स हैं उनको फंक्शनल टैप्ड वाटर कनेक्शन दिया जा चुका है। मतलब ये टोटल अगर परसेंट देखेंगे तो 75% है, तो मतलब 75% इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कवर किया जा चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, अब समस्या यह है कि बहुत जगहों पर कनेक्शन पाइप तो पहुंचा दी गई है लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात, बहुत ऐसे क्षेत्र है, 25% ऐसे क्षेत्र भी, तो बहुत 25% बहुत होता है भाई, जबकि हमारा टारगेट था 2024 तक पूरा करने का। तो अब ध्यान, अब इस पे बात करने वाली बात है कि भाई 2024 तक था तो क्यों नहीं पूरा कर पाए, और पूरा अगर जो 75% किए हैं वो सही से हर जगह काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपके क्षेत्र में है तो उसको कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में ऐसा कनेक्शन आ चुका है ग्रामीण क्षेत्र में कि नहीं, और आ गया है तो क्या वो प्रॉपर रूप से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मेरे गाँव में तो नहीं आया है अभी, वहां पे नहीं आया है, तो मेरे गांव में तो नहीं आया, तो यही कहूंगा ना कि नहीं आया, तो वो मेरा गांव 25% में ही शामिल है, तो आपका गांव 75% में शामिल है कि नहीं, बताइए कमेंट करके। तो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट, इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है। आगे चलिए, अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मनरेगा जो है योजना चलती है उसके तहत भी जल संरक्षण और संचयन पर कार्य करते हैं, उस पर बल दिया जाता है। तो ध्यान रखना है
कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण और संचयन पर भी काम होता है, स्टेटमेंट डायरेक्ट देगी यूपीएससी। और फिर कंफ्यूज होंगे कि यार मनरेगा के तहत तो जो क्या पता करते हैं कि नहीं, तो पता होना चाहिए तभी नहीं गलत कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया जाएगा। अब वही जल मिशन पर, नेशनल वाटर मिशन, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेशनल वाटर मिशन उन 8 मिशनों में से एक है जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत चलाए गए हैं, उन्हीं में से एक है नेशनल वाटर मिशन। ठीक है, और इसको कब शुरू किया गया है, 2011 में नेशनल वाटर मिशन को क्या किया गया है, शुरू किया गया है 2011 में। ठीक है, जिसमें पानी के संरक्षण, बर्बादी को कम करने और राज्यों के भीतर और जल के अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मतलब ये जो नेशनल वाटर मिशन है शुरू किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो भी पानी का संरक्षण कैसे करना है, कैसे वाटर का वेस्टेज कम हो, राज्य के भीतर जो भी क्षेत्र है उनमें क्या हो, जल का अधिक से अधिक बराबर वितरण, जैसे किसी राज्य में कुछ कुछ क्षेत्रों में हो सकता है ज्यादा पानी की उपलब्धता हो, कुछ क्षेत्रों में पानी ही ना हो, तो उसको उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय जल मिशन राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों को, नेशनल वाटर पॉलिसी के प्रावधानों को ध्यान में रखेगा और जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करके जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले की व्याख्या कर रहा है, मतलब राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ये चीजें की जाएंगी। तो हाँ बिल्कुल सही है कि मतलब जो भी वाटर यूज इफिशियंसी है उसको बढ़ाना है 20% से, और एक मतलब फ्रेमवर्क विकसित करना है कि कैसे जो है जल के उपयोग को क्या करें, एडॉप्ट करें, मतलब जिस क्षेत्र में जिस तरह का जल उपयोग करना चाहिए उसके लिए फ्रेमवर्क बनाए। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, और दूसरा पहले की व्याख्या कर रहा है, तो पहला इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेशनल वाटर मिशन जो है, नेशनल वाटर मिशन यह जो है इसके अंतर्गत कई सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो 5 लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा 5, डायरेक्ट वेबसाइट पे लिखा है कि 5 ही लक्ष्य हैं, 10, 15, 20 ऐसे नहीं है, 5 ही हैं। उन 5 मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। तो पहला जो है उसमें क्या करना है कि डेटा इकट्ठा करना है, वाटर डेटा जिसको पब्लिक डोमेन में रखना है। दूसरा क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का जो वाटर रिसोर्स पे इम्पैक्ट है उस पर ध्यान देना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तीसरा जो है कि जो भी पब्लिक है या भी जो स्टेट है उसको क्या करना है कि वाटर की कंजर्वेशन के लिए क्या करना है, प्रमोट करना है कि ये लोग वाटर कंजर्वेशन करें। चौथा जो गोल है वह यह है कि वाटर की इफिशियंसी, यही वाला, 20% से बढ़ाना है। पांचवा जो इसका लक्ष्य है वह यह है कि प्रमोशन ऑफ बेसिक लेवल वाटर रिसोर्सेस, है ना, जो लोकल लेवल या फिर जो बेसिन लेवल मतलब जो भी नदी होती है उसका जो बेसिन होता है उसके क्षेत्र में जो भी वाटर है उसका प्रमोशन करना है। तो पांचवा यह लक्ष्य है, तो ये 5 लक्ष्य हैं, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि जो नेशनल वाटर मिशन है इसके द्वारा बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं, तो डायरेक्ट बहुत सारे कैंपेन दे के आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा चलाया गया है, तो सुने रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। जैसे कैच द रेन, यही चलाया गया है नेशनल वाटर मिशन के तहत, कैच द रेन, स्वच्छ नीरू, स्वच्छ ताल, वाटर हीरोज, जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को, वाटर क्लिनिक कैंपेन, मिशन पानी, जल साक्षरता अभियान। ठीक है, तो ये जो है इसके तहत चलाए गए हैं, जल शक्ति अभियान हो गया, पहले क्वेश्चन देख चुके हैं जल शक्ति अभियान, तो ये सब नेशनल वाटर मिशन के तहत कैंपेन जो है चलाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये वही है 20% वृद्धि करना है, तो ये तो पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य
नहीं है। अभी हमने बात किया कि गोल क्या है या जो ऑब्जेक्टिव है क्या है। तो मैंने तो देखिए, जल संरक्षित करना है तो बिल्कुल संरक्षण पे तो बात ही है, बर्बादी कम से कम करना है, कॉमन सेंस की बात है, बर्बादी कम करेंगे तभी तो संरक्षित होगा। समान वितरण अभी आया था ना कि स्टेट, मतलब स्टेट में क्या करना है, इक्विटेबल समान वितरण करना है, तो यह भी है। प्रदूषण, प्रदूषण की कहीं बात नहीं हुई है ना, तो जल प्रदूषण की बात नहीं हुई है तो यह गलत हो जाएगा, तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, यही उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया है कि जल मिशन का, राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य तो जल संरक्षित करना, बर्बादी कम करना और समान वितरण, तो यह है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था जून 2023 के कुरुक्षेत्र मैगजीन पर आधारित क्वेश्चन देखे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह गवर्नमेंट के द्वारा मैगजीन जारी की जाती है, और जो भी एग्जाम्स हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, पीसीएस यूपीएससी, उनमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेन बात यह थी कि करंट और स्टैटिक को इंटरलिंक करके पढ़े हैं, तो आप 10 क्वेश्चन भले पढ़े हैं लेकिन आपके 30 से 40 जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन जिन पे डायरेक्ट बन सकते हैं, वो तैयार हुए। मान के चलिए 30 से 40 क्वेश्चन तैयार हुए। तो अगर आप यहाँ तक जुड़े रह गए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के और भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और आगे और भी अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।